तुम्हें क्या लगता है टॉपर और लूजर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है? नहीं, एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस बस इतना सा होता है, एक टॉपर हमेशा सोचता है कि यार आज मैंने दिन में 10 घंटा पढ़ा, चलो आधा घंटा और पढ़ लेता हूँ। एक लूजर ये सोचता है आज मैंने दिन में 10 घंटा पढ़ा, कल से मैं 9.5 घंटा पढ़ूंगा, ज्यादा हो जाता है। इस तरीके से लूजर धीरे धीरे अपना टाइम कम करता जाता है, धीरे धीरे अपना जो मोटिवेशन है उसका कम होता जाता है। एक टॉपर का हमेशा बढ़ता जाता है, वो हमेशा सोचता है कि आज जितनी मेहनत करी कल उससे ज्यादा करूंगा। लूजर सोचता है आज जितनी मेहनत करी है थोड़ा सा कम कर लूंगा, यार बाद में देख लेंगे। और दिस क्रिएट्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस।